नूतन कृषि संस्कार आईन द्वारा उपकृत हेबे चासी। कृषि सह जड़ित समस्त जिनिसरु हटा जाउछि प्रतिबंधक। कृषि क्षेत्र को सशक्त करबा पई द्रुत गति करा जाउछि काम। भारत विकास रे गां एवं छोट शहरर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। फिकिर 93तम वार्षिक साधारण सभा को उद्घाटन करी प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंति T20 मैच रे अनेक थर परिस्थिति बदलि थिवार देखिछु, किंतु 2020 वर्ष समस्त को पछरे पकाइ देछि। एही वर्ष आम देश एवं समग्र विश्व रे उत्थान पतन देखिबा को मिलिछि, किंतु भल कथा हेउछि जे कोरोना कारण रो परिस्थिति जेते शीघ्र खराब होइतिला एवं सेते शीघ्र एथिरे परिवर्तन आसुछि। कृषि बिल को नहीं आंदोलन जारी रहिथा बेले प्रधानमंत्री मध्य एही प्रसंग रे आलोचना करिछन्ति। कृषि संस्कार विषय रे उल्लेख करी कहिछन्ति जे कृषक माने नूतन कृषि संस्कार आईन द्वारा उपकृत हेबे। नूतन कृषि नियम कृषक मानंकु नूतन बजार जोगाइबो। नूतन कृषि नियम कृषकंकर आय वृद्धि करिबो। फल सब्जियां उगाने वाले किसानों को जितना आधुनिक टेक्नोलॉजी का, आधुनिक व्यापार और उद्योग के तौर तरीके का जितना सपोर्ट मिलेगा, उनकी जरूरतों को देखते हुए जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही हमारे देश के किसानों का, फसलों का नुकसान कम होगा, उतनी ही उनकी आय बढ़ेगी। आज ग्रामीण क्षेत्र में एग्रो बेज इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। पहले की नीतियां जो भी रही हो, लेकिन आज की पॉलिसीज ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए बहुत अनुकूल है। नीति से और नियत से सरकार पूरी तरह किसानों का हित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंति जे गत 6 वर्ष मध्यरे विश्व भारत उपरे अत्यधिक विश्वास प्रदर्शन करिछि। एही विश्वास गत 6 मास मध्यरे अधिक शक्तिशाली होइछि। प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंति जे एहा एफडीआई किंबा एफपीआई हेउ, विदेशी निवेशक माने भारत रे रेकॉर्ड निवेश करिसेंति, एहा आगोकु मध्य करि परिबे। भारत के पास मार्केट भी है, मैन पावर भी है और मिशन मोड पर काम करने की कैपेबिलिटी भी है। पैंडेमिक के इस दौर में भी हमने देखा है कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना, भारत का हर कदम कैसे पूरी दुनिया को लाभ देता है। ए अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंति महामारी समय रे निजर नागरिक मानंकु रक्षा करथिबा देश अन्य समस्तक क्षेत्र रे पुनर्जन्म करिवारे समर्थन अटे। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।